राम राम भाइयों, जय हिंद सारे भाइया ने। हम फौजी भाईचारा के सदस्य हैं और आज आए हैं निंदाणा गांव में, जो कि अपने ग्रुप सदस्य विकास का गांव है। तो आप सबको पता है, हमें जहां भी ऐसे परिवारों की जरूरतमंद परिवारों का पता चलता है, जहां पे बच्चे हैं या मतलब लाचार परिवार हैं, जिनका कोई कमाने का सहारा नहीं होता या अपने पैरों पर खड़े नहीं होते या जिनके माँ बाप नहीं होते, उनकी हम खेल में पढ़ाई में जो बच्चे बढ़िया हैं उसमें मदद करते हैं, और ऐसे परिवार जिनके घर में मतलब खाने का साधन नहीं होता, खाने कमाने का, उनकी मदद करते हैं हम राशन पानी से। और इससे अलग हमने अब सर्दियों को देखते हुए एक मुहिम चलाई हुई है, जो लाचार मतलब जिनके बच्चे नहीं है बुजुर्गों के, उनके यहाँ पे अपनी मतलब कमाई में से कंबल लेके आए हुए हैं, पैसे इकट्ठे करके सारे भाई वो कंबल देने हैं, मतलब कंबल बांटने की मुहिम चलाई हुई है। तो आज निंदाणा गांव में हमें पता चला था यहाँ पे इस परिवार में आए हैं, एक बार पहले दिखा देते हैं। इस परिवार में एक तो ये है लड़का, कितने बच्चे हैं ताई? चार है। अच्छा अच्छा, चार है। बाकी ये ताई बताऊंगी परिवार के बारे में, क्या कुछ है इनका, सारी बताइयो एक बार, मतलब कौन के है इस परिवार में? भाई चार मोटाई, चार बच्चे हैं, चार बच्चे हैं। हाँ हाँ, अरे लड़का एक लड़की सुधा है, चार बच्चे, तीन लड़के, हाँ तीन लड़के, और मैं इनकी दोनों मेरी बहन की पोते है। अच्छा अच्छा, और भाई न्यू घर का मान बाबू भी, और इनका तो मान बाबू भाई माँ बाबू दादा दादी कुछ नहीं, इनका गुजारा किस तरह, मतलब कौन मदद करे है आप बताओ। भाई एक ये है, राजकुमार का छोरा मंगतू, भाई उसकी माँ भी आरोपी भगवान भाई जिसका दया धर्म है ना, मतलब पूरा आस पड़ोसी का सारा लाओ यो। हाँ यो मतलब बहुत बढ़िया लग गया, क्योंकि कई जगह हम जावा है ना ताई, उड़े देखा आस पड़ोस भी सारा ना लानता, ये तो हाँ ये तो बहुत बढ़िया, जो आप जिस पड़ोस में रहे हैं इनके इनके मम्मी पापा दादा दादी कोई नहीं है भाई, और यो है एक कमरा है इनका, यो भी और किसी का, ये मकान भी मतलब और किसी का, ये बड़का तो रहने का दे रहा है, और इन्वर्टर का कनेक्शन यो साथाड़ा घर है राजकुमार, हाँ इन्होंने मतलब इन्वर्टर का कनेक्शन दे रखा, बालक सारे मतलब बढ़िया है, तो इनका सारा गुजारा आस पड़ोस में, तो कोई दूध दे दे है, कोई खाने का दे दे है, कोई बिजली के, तो सारा आस पड़ोस का इनका सारा लाने लग रहे। आज मदद के लिए आए हैं अड़े, जो सामान लेकर आए हैं एक बार वो दिखा दे, यो है राशन का सामान है, जूते हैं, ये जूते हैं, दो लड़के ही बताए थे, दो लड़के जूते हैं और ये कंबल है दो इनके लिए, तो ये शायद तीन चार महीने, चार बालक है छोटे, तीन चार महीने का इनका राशन लेगा। बाकी एक बार घर दिखा दे भाई, भीतर एक यो कमरा ही इसमें जो चारों बालक रहे हैं, तो ये जो ग्रुप बनाया हुआ फौजी भाईचारा, ये पूरे हरियाणा में मदद करता है, जहाँ पे भी जिस भी जिले में पता लगता है। ये ग्रुप तीन साल पहले बनाया था, और हम मैं भी फौजी हूँ, अपनी सैलरी में से एक अकाउंट में इकट्ठा करते हैं पैसे, और फिर उससे अपनी मतलब कमाई से, और किसी से लेते नहीं, अपनी जेब से ही करते हैं सारा, और मतलब किसी पर्ची काट लिए कर लिया वो काम हमारा नहीं, हम अपनी जेब से करते हैं। तो विकास भाई है इसी गांव के ग्रुप सदस्य और भाई है, ये बताएंगे अपने ग्रुप के बारे में। फौजी भाई मेरे को मिला था, किसने मेरे को बताया था कि भाई इस तरह को गरीब परिवार से संबंध है, तो मेरे को बताओ, तो विकास भाई ने बताया, फिर मैंने इनकी जायजा लिया, और फिर इनको बच्चा की मदद करने के लिए कहा, इन्हें पूरी मदद करी है, फौजी भाई को सलाम है।
बाकी ये सारे ना ना तैताली इतने बड़े कौन है हम आशीर्वाद आशीर्वाद रख मतलब यहाँ पे हमने मदद करी है फौजी भैया ना ताई अर ना बाकी ताऊ और खड़े ही नकी साल आगे एक बार बात बताऊंगी भैया कई साल बीमार हो कई मरी है बेचारी इतना बीमार तो भाई सारे भाई जितने भी भाई ये वीडियो देख रहे हैं फौजी भाई तारा फेसबुक पे पेज है और चैनल बनाया हुआ है और संपर्क करने के लिए हमसे मतलब नंबर दे देंगे। ऐसे परिवार आपको कहीं पे भी दिखाई दे पूरे हरियाणा में तो हमें बता सकते हैं, हम जरूर इन भाइयों की तरह मदद करेंगे। और ये वीडियो खाली इसलिए बनाई है, एक तो इतना बढ़िया पड़ोस मिला हमें, पहली बार मिला 3 साल में ताई, जो मतलब अड़ोसी पड़ोसी भी इतनी बढ़िया कर यहाँ मतलब मदद करे है इनकी, हम घूमा सारे का तो इन तो जो कर यो है ना पड़ोस ईसा पड़ोस हर एक जगह होना चाहिए, जो कर इसे बाढ़ लाचार दिख है तो उनकी मदद करया करो भाई और ज्यादा से ज्यादा वीडियो ने शेयर करियो ताकि मारे तो कोई प्रेरणा लेकर जितने भी भाई हम मदद करने लाग रहे हैं अपनी कमाई में है और कोई भी इसे परिवार दिखा उनकी मदद करें। राम राम भाई, जय जय भाई।